दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है, इसलिए वीडियो में अपन तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि कौन सी जोड़ी है जो सही सुमिलित हैं, तो वह जोड़ी बतानी है जो सही सुमिलित हैं। तो वह जोड़ी हैं तराइन का प्रथम युद्ध, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ये जो जोड़ी हैं ये एकदम सही हैं। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपने कितने प्रश्न जे किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं और मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो आपको याद रखना है वह राजपूत शासक था महाराणा राज सिंह। ठीक है, महाराणा राज सिंह वह राजपूत शासक था जिसके द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह जो किया गया था। अगला सवाल है कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट किसने, और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है ये प्रसिद्ध है उमा दे। अगला सवाल है कि रानी कर्मवती ने हुमायूं से सहायता गुजरात के किस शासक के विरुद्ध मांगी थी? तो ये मांगी थी बहादुर शाह के विरुद्ध। ठीक है, बहादुर शाह के विरुद्ध मांगी थी सहायता किसने, हुमायूं ने। ठीक है, सॉरी, रानी कर्मवती ने मांगी थी और हुमायूं से मांगी थी गुजरात के बहादुर शाह जफर के विरुद्ध। अगला सवाल है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो आपको याद रखना है वह शासक था राज सिंह जिसने पत्र लिखकर विरोध किया था। अगला सवाल है कि पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया था जय सिंह ने। ठीक है, जय सिंह ने क्या किया, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के जय सिंह शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। अगला सवाल है कि दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि दुर्गादास राठौर की जो छतरी है वो किस राज्य में स्थित है। तो इनकी छतरी स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा था, तो कब तक रहा था? तो ये राजधानी रहा था 1615 ईस्वी तक। अगला सवाल है कि किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो वह राजा कौन सा था जिसके वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो वह राजा था नागभट्ट द्वितीय। अगला सवाल है कि राणा सांगा ने 1518 में खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया, खातोली किस जिले में स्थित है? तो खातोली जो है वह स्थित है बूंदी जिले में। अगला सवाल है कि फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? तो ये द्वितीय जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1311 ईस्वी में। अगला सवाल है कि किस राजपूत राजा ने हरिनाथ सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? तो वह राजपूत राजा था कौन? तो आपको याद रखना है वह था आमेर के महाराजा मानसिंह। ठीक है, आमेर का महाराजा मानसिंह वह राजपूत राजा था जिसने हरिनाथ सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। अगला सवाल है कि मंडोर के प्रतियार माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? तो मंडोर के जो प्रतियार माने जाते हैं वो माने जाते हैं क्षत्रिय। अगला सवाल है कि राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट किसने, और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण है जो किसने कहा था, या राजपुताने का कर्ण किसे कहा था ये भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है ये कहते हैं राव राय सिंह को, और किसने कहा था वो आपको आज पता चलेगा कि किसने कहा था। तो ये कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। अगला सवाल है कि कीका के नाम से लोकप्रिय थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट किसने, और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि कीका के नाम से लोकप्रिय थे तो कौन थे? तो कीका के नाम से लोकप्रिय थे महाराणा प्रताप। अगला सवाल है कि कदमवास या कैमवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? तो ये मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज तृतीय के समय। अगला सवाल है
कि मारना कुंभा ने खालिस्तान पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि मारना कुंभा ने खालिस्तान पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था वो आपको बताना है। तो ये विजय प्राप्त की थी मालवा और गुजरात की सेना पर। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी। तो ये राजगद्दी संभाली थी 1572 में। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वह राजा था महाराजा गंग सिंह। अगला सवाल है कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है और यहाँ पर 99% लोगों को ये पता ही होगा इसका उत्तर कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, तो इसका दरबारी कवि था चंद्रवरदाई। अगला सवाल है कि किस राजपूत राजा ने गंधर्व वाइसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था, तो वह राजपूत राजा था सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह वह राजपूत राजा था जिसने गंधर्व वाइसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था। अगला सवाल है कि सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उसे हार गया था, तो ये हार गया था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय वह व्यक्ति था जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में हराया था। और ये युद्ध मैं आपको बता देता हूँ, ये युद्ध था तराइन का युद्ध जो 1191 और 1192 को हुआ था। ठीक है, 1191 को तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन 1192 को हुआ था। और प्रथम युद्ध में तो सुल्तान मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पृथ्वीराज तृतीय ने, लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जो है वो हार गए थे, वो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो कौन हार गए थे 1192 में, तो वो हार गए थे पृथ्वीराज तृतीय। अगला सवाल है कि गोयल वंश का पहला शासक कौन था, तो गोयल वंश का जो पहला शासक था वह था बप्पा रावल। अगला सवाल है कि मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था, तो वह सुल्तान था मोहम्मद खिलजी। ठीक है, मालवा का मोहम्मद खिलजी वह सुल्तान था जिसको राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व तो किसने किया था, तो ये सबको पता होगा, 99% लोगों को इसका उत्तर पता होगा कि हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व तो किसने किया था, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने 25 में से कितने सवाल किए हैं वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।